नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कश्यप आज आपके लिए फ्रेंड्स 120 गज की कोठी लेकर आ गया हूँ। 3 BHK विला रहने वाला है हमारा। सेक्टर 124 सनी ग्ले मोहाली की लोकेशन आ जाती है। घर का फ्रंट एलिवेशन भी आप देखोगे काफी ही प्यारी एलिवेशन देने वाली है। आसपास की लोकेशन काफी डेवलप मिल जाती है आपको। वाइड रोड्स है, मेन एंट्री भी काफी डिसेंट सी रहेगी और साथ में घर के अंदर एंटर होते ही बहुत ही ह्यूज पॉच एरिया मिलता है। इजिली बड़ी गाड़ी पार्क हो जाएगी और गेस्ट पार्किंग करके बाहर मिल जाएगी। इस तरफ आपके टू व्हीलर की पार्किंग स्पेस है, इजिली आप 2 2 व्हीलर पार्क कर सकते हो यहाँ पे। और जो स्टेयर्स है विला की बाहर से रहने वाली है, जिसमें कि इसी तरफ से आपको सिलेंडर के लिए और बाकी इन्वर्टर के लिए प्रोविजनिंग डाल दी गई है। 2 BHK करके ग्राउंड फ्लोर पर है, 1 BHK फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगा। मेन एंट्री भी डिसेंट डोर रहेगा आपका। यहाँ पे अंदर एंटर करता ही आपको एक बहुत ही ह्यूज ड्राइंग और डाइनिंग की स्पेस मिलती है। ये हमारा ड्राइंग एरिया है, जहाँ पे इजिली अपना 7 to 8 सीटर का सोफा सेट आप लगा सकते हो। पीछे विंडो मिल जाती है जो कि नेचुरल लाइट बनाए रखी है विला में, और वॉलपेपर भी को काफी शानदार मिल जाता है। इसमें को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउन स्लीपिंग को काफी अच्छे मिल जाती है, और ड्राइंग के बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे डाइनिंग है। यहाँ पे इजिली 6 सीटर डाइनिंग लगा सकते हो। पैनल भी काफी यूज मिल जाता है। साथ में किचन आ जाती है जो कि यू शेप की रहेगी, जिसमें कि आपको पेंट्री इंक्लूड है। स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली किचन में आपको। डबल सिंक आ जाता है, साथ में इस तरफ मल्टीपल ड्रॉर्स और कैबिनेट्स मिल जाते हैं। एंट्री पर यहाँ पे फ्रिज की स्पेस है, और जो ड्रॉर्स भी आपको मिलते हैं सॉफ्ट क्लोज के साथ रहेगी। चिमनी की प्रॉपर प्रोविजनिंग यहाँ पे डाल दी है। बेडरूम जैसे ही मैंने बताया 2 बेडरूम्स रहेगी। हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाता है। स्पेस आप देख सकते हो कि काफी ही यूज है। 120 गज की हमारी कोठी रहने वाली है। सामने फर्निश रहेगी, इसमें हर रूम में आपको अलमीरा वर्क मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो फुल हाइट की अलमीरा है, डबल आपको मिल जाती है ये। इसमें अंदर आप स्टोरेज स्पेस देखो काफी अच्छी है, यहाँ पे मिल जाती है। ड्रॉर्स मिल जाते हैं, साथ में ही नीचे की तरफ आपको शू की स्पेस मिल जाती है, शू रैक की। और ये हमारा ड्रेसिंग है जो कि सेम रहेगा। साथ में इस तरफ पीछे की तरफ भी इसमें आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी स्टोरेज के लिए। इस तरफ में आपको एक LED पैनल भी इंक्लूड दिया जा रहा है, और इस तरफ आपको यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम मिल जाएगा जो कि फुल हैंड द टाइल वर्क इसमें रहने वाला है। सैनिटरी अभी बाद में लगेगी। और यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है जो कि स्पेशियस है। फर्स्ट रूम के साथ ही में सेकंड बेडरूम आएगा। ये गाइस हमारे घर का सेकंड बेडरूम है, सेम कंसेप्ट रहने वाला है। हर रूम में आपको अलमीरा मिल जाएगी, फुल हाइट की वार्डरोब विद ड्रेसिंग मिलने वाला है। साथ में इसी तरफ आपको पैनल भी इंक्लूड है। सेकंड रूम के साथ भी अटैच वॉशरूम है, और हर रूम में आपको विंडो मिल जाएगी जिससे कि नेचुरल लाइट बनी रहे। चलते हैं घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। गाइस ये आ गया अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारी स्टेयर्स आ जाती है SS रेलिंग के साथ, और ऊपर बैल्कनी एरिया भी काफी ही यूज मिलता है। आप देख पा रहे हो कि बहुत ही यूज बैल्कनी स्पेस मिलती है आपको 120 गज की कोठी में। साथ ही में यहाँ पे आपको डबल एंट्री मिल जाएगी, जिसमें किचन की एंट्री अलग है और रूम की एंट्री आपको अलग मिलेगी। ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है जो कि विला का मास्टर बेडरूम रहेगा। देखो कि बहुत ही स्पेशियस है, यूज है। अलमीरा कॉर्नर पे आ जाएगी। वॉलपेपर काफी प्यारा मिल जाता है आपको। डाउन सीलिंग आ जाती है, और यहीं से आपका अटैच वॉशरूम है जो कि घर का थर्ड बेड वॉशरूम रहने वाला है। रूम से भी आपको आपके बैल्कनी पे जाने के लिए एंट्री मिल जाएगी। स्पेशियस बैल्कनी साथ में है, और जो किचन की एंट्री है वो बिल्कुल ही सेपरेट मिलेगी। ये हमारा किचन है, स्पेशियस किचन मिल जाता है, मॉडल किचन जो कि रहने वाला है। और इन सब के साथ में यहाँ पे एक ह्यूज ओपन एरिया मिलता है। अगर आप यहाँ पे एक और रूम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो इजिली बना सकते हो। ट्रिपल स्टोरी तक कंस्ट्रक्शन इस एरिया में आप कर सकते हो। घर की डिमांड रहने वाली 78 लाख, 120 गज की कोठी है, सनी क्लिप की प्रॉपर्टी आ जाती है। 80% तक की लोन फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इस घर की ज्यादा जानकारी के लिए, विजिट के लिए नीचे देखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।